हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी घर आ चुकी हूँ। और घर आके जो मतलब घर में जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। आप लोग बाहर कितना भी जाइए, घूम के आइए, जब तक अपने घर नहीं आइएगा तो आपको जो है सुकून नहीं मिलेगा। तो अंशु को हम बहुत ज्यादा मिस किए। तुम हमको मिस की? हाँ, दवाई है ना, रखो उधर। बोलो, तुम हमको याद की? राजेश आने के बाद घर आके ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो बहुत ही मजा आएगा। ये मेरा चंगू और एक मंगू सोई है, कोको इधर है, इधर विशाल है। इन लोग का एक वीडियो आया है, आप लोग देखिएगा फलना ढेकना में। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन। बोलो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ब्लॉग पे बने रहिए। आज भी आप लोगों को कुछ बना के दिखाएंगे बहुत दिन बाद, और कुछ देसी स्टाइल में। सो गाइस, यहाँ पे चाची मुझे बुला रही थी क्योंकि बाहर जो है साड़ी वाला आया हुआ था, 100-100 रुपया में साड़ी मिल रहा था। तो यहीं पे जो है देखिए अंशु खेल रही है बालू पे, और यहाँ पे सभी चाची लोग जो है साड़ी देख रही है, और कोको भी यहाँ बैठ के नज़ारा ले रही है। तो कोको जैसे ही बाहर लेके गए वहाँ पे 6 से 7 कुत्ता आ गया था, क्या पता इसको काट देता या क्या करता, तो जल्दी से मैंने कोको को अंदर ले आया। तो ये वाला साड़ी मम्मी ली है और हम लोगों का पसंद था ये, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा है। 100 रुपया मिला है ये। ये देखिए अंशु पूजा कर रही है। खुश रहो फ्रेंड्स। मुझे जो है अपने हेयर कलर करवाना बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत ज़्यादा वाला नहीं, थोड़ा सा ही जो होता है। और मैं ज़्यादातर जो है अपने हेयर का कलर जो है घर पर ही करती हूँ, ज़्यादातर नहीं हमेशा ही घर पर ही करती हूँ। और या तो मेहंदी लगाती हूँ या गार्नियर का ये वाला बरगंडी वाला कलर जो है उसे यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी, बहुत दिन हो गया, लगभग 1 साल हो गया अपने हेयर पे कलर नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा जो है शाइनिंग आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यही लगाएंगे, आज थोड़ा फुर्सत से है घर में तो लगाते हैं गार्नियर। बोलो तुम। बोलो हेलो फ्रेंड्स, आज अंशु ब्लॉग बनाएगी। बोलो देखो देखो। हाँ आगे बोलो। ये दवाई। हाँ ठीक है, हाय बोलो। हाय बोलो अंशु। क्या कर रही है? दवाई लगा दे रही है। ठीक से लगा रहा है कि नहीं? नहीं लगा रहा है। बोलो ठीक से लगा। बोलो अंशु, कुछ बोलो। कैसा स्मेल कर रहा है? कैसा बसा रहा है? बहुत बढ़िया बसा रहा है। और तुम्हारे हाथ में क्या है? कैसे दिखा रहा है? ठीक है तो दिखा रहा है, तुम भी सुंदर दिख रही है। देखो देखो आ रहेगा, देखे सुंदरी के क्या सुंदरी सुंदरी का सुंदरी है। तो मेरा हेयर तो कलर हो चुका और फूल भी चुका है, लगभग 40 मिनट तक रखे थे। और गार्नियर लगाने से क्या होता है ना कि हेयर का जो कलर है वो ज्यादा डार्क नहीं हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता है, हल्का हल्का शाइनिंग टाइप का आता है, और प्लस बाल जो है बहुत सिल्की लगने लगता है। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल नहाने, फिर आप लोगों से मिलते हैं, तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो ये रहा हमारा लंच आज का, चावल दाल लहसुन का छौंका हुआ, प्याज का भरता, भथुआ साग और धनिया चटनी। फिर खा के आप लोगों से शाम में मिलते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अपने चाय के साथ खाना खाने के बाद जो सोए हैं, बाप रे अभी जाकर नींद खुला, तुरंत उठे, जल्दी से झाड़ू लगाए, फिर अभी चाय पी रहे हैं। तो आज जो है मैं आपको पुआ बनाने सिखाऊंगी, मैंने दीदी लोग बनाएगी। तो हमारे झारखंड में बहुत अलग अलग टाइप के जो है
पुआ बनता है, उसमें से ये एक है जिसको खापुल पीठा हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलते हैं। तो देखिएगा कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल अभी चाय पी के जाएंगे चाची के साथ मोड़, उनको कुछ काम है, तो फिर वहाँ से आके ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। इसलिए ब्लॉग पर बने रहिए और चाय पीजिए। बनाए हैं समोसा और चटनी। तो हम आ गए हैं मोड़ से, चाची का जो काम था वो हो गया और आ गए। और जैसे ही आए मेरा जो कुछ खाने का मन कर रहा था, तब तक पापा ऑफिस से आए और समोसा ला दिए। तो अभी खाएंगे, बहुत ही मन कर रहा था मेरा कुछ खाने का, और समोसा मिल गया तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, खाएंगे अभी। ये देखिए हमारे घर में इवनिंग होते ही चूल्हा जल जाता है और टीवी पे 6 बजे से लग जाता है साथ निभाना साथिया, रसोड़े में कौन है, और सब कोई मिल के देखते हैं। अब पीठा बनना स्टार्ट होगा। देखिए इधर शनिदेव चल रहा है और इधर पूरा तैयारी में है हम लोग, अब बस बनाएंगे। लाइट नहीं है, अंशु भाग जा रही है, अंशु ले ना ले उसका हॉर्लिक्स, अंशु हॉर्लिक्स लेके भाग गई। तो चावल का आटा हम लोगों ने घर में ही रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं, और पानी गर्म कर रहे हैं इसे मिक्स करने के लिए। तो इसे जो है थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए होगा मिक्स करने के लिए। तो अब चावल के आटे को जो है गर्म पानी से मिक्स कर लेंगे, घोल बना लेंगे इसका। तो इसे जो है हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सिर्फ चावल का आटा और गर्म पानी है। और एक बात, इसमें अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है नमक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। तो सबसे पहले हम मिट्टी के हंडी को जो है गर्म कर लेंगे, तो इसीलिए हमने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अरे देखिए बेस्ट रेडी हो गया, और इधर अंशु सो के उठ गई है, देखा। तो ये पेस्ट रेडी हो चुका है, इसमें कुछ मिक्स नहीं किया हम लोग। अंशु सो के उठ गई है। अंशु क्या हो गया तुम्हारे साथ अभी? देखिए कोको कहाँ सही है, काका इसको आग के सामने बैठने में डर लगता है, इसलिए दूर में ही बैठी रहती है। ये है सर्वा, इसे जो है यूज करने से पहले पानी में डुबा के रखना पड़ता है। तो इसी से हम लोग उसे जो है कवर करके बनाएंगे, आप लोग देखिए फिर पता चलेगा। तो इसे पानी में डुबा के रखते हैं, और इधर खप्पर हमारा रेडी हो चुका है। इसे जो है खप्पर में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है खापुर पीठा कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है थोड़ा सा पानी दे दिए हैं गर्म होने के बाद। अब इसमें जो हमने चावल का आटा का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड करेंगे, और फिर इसे उस सर्वे से ढक देंगे, कवर कर देंगे, और साइड साइड में जो है पानी छिट देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये बन चुका है, और नीचे जो जला हुआ वो अभी नहीं जला, वो पहले का जला हुआ, इसलिए वो काला दिख रहा है ऐसा। और ये हमारा पीठा जो है बन गया है। अब इसे जो अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट और खाने में उतना ही टेस्टी। तो ये रहा खापुर पीठा। आप देख सकते हैं दीदी जो है नया नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो गुड़ी जो है थोड़ा सा बच गया था, तो अभी दीदी इसका जो है चीला बना दे रही है। तो चीला ये ऑयल फ्री चीला है। देखिए इधर और बना के रखी है, और इधर जूली दी खा रही है बैठ बैठ के पूरा चार। ये देखिए कैसे बना रही है, आप देख सकते हैं। पहले खाली तो देखिए, आपने देखा इसमें हम लोगों ने जो है कुछ भी तेल वगैरह यूज नहीं किया है, और ये कितना सुंदर बना, वाव, एकदम हेल्दी चीज़ है।
डोसा टाइप है, आप इसे हाँ डोसा का रीटा एक लें, बस इसमें आलू डाल दीजिए, सांभर बना लीजिए, हो गया डोसा रेडी। पर ये हम लोगों का झारखंड का स्पेशल है, गुड़ी का छिलका प्लेन। तो चलिए खाते हैं। तो हम लोगों का चीला जो है बनके रेडी हो चुका है, खापुर पीठा। और ये हमारे झारखंड का और एक स्पेशल डिश है जो मे भी आप लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता, पर यहाँ के जो है हम लोगों को पता ही होगा। और खास करके मकर संक्रांति मतलब ये पूस का महीना में ये सब जो है घर पे बनते रहता है सभी के घरों में, जो नया नया जो चावल आता है उसके बाद। तो ये जो बन के रेडी हो गया, इसके साथ जो है दूध, दूध और चीनी के साथ इसे जो खाइएगा ना तो एकदम रसगुल्ला वाला टेस्ट आएगा। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। मेरे मुंह में अभी ये पानी आ रहा है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसमें ना तेल ना कुछ भी नहीं था, एकदम हेल्दी चीज है। तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बस आज का ये वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा और ये पीठा का रेसिपी जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय।